झालावाड़ में कोरोना मरीजों की जांच में गड़बड़ झाला सामने आया है। झालरापाटन शहर के सिलावट मोहल्ले में तीन युवकों ने कोरोना की जांच नहीं करवाई और जबकि जांच रिपोर्ट में इनकी जांच नेगेटिव आई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जांचों में कोताही बरती जा रही है और बिना जांच के रिपोर्ट आ रही है। सरकार कोरोना जांच कर लोगों को जानकारी दे रही है, लेकिन इस तरह के रिपोर्ट से कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है कि कहीं जांच में गड़बड़ झाला तो नहीं है। अच्छा गौर साहब, आपकी जांच वाच हुई कि नहीं हुई? जांच तो नहीं हुई, फिर नेगेटिव बता दिया। बिना जांच के नेगेटिव बता दिया? बिना जांच के। किसका फोन आया था आपको? बस वहाँ तो फोन आया था कि जांच करा दो, हम नहीं गए थे। फिर दोपहर में दो घंटे बाद आना, मैं दो घंटे बाद नहीं गई था। फिर जांच भी नहीं हुई उसमें, फिर भी नेगेटिव बता दिया रिपोर्ट में। नेगेटिव बता दिया? नेगेटिव। कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? सिलावट मोहल्ले में। पाटन में? पाटन में। सर सिलावट मोहल्ले में चल रहा हम 10-12 जने ग्रुप के लड़के थे, तो हम गुजर मोहल्ले में उधर पीछे सैंपलिंग चल रही थी, तो हम वहाँ पे सैंपल देने गए थे। तो हमारे फॉर्म भरे थे, हमको बोला था कि दो घंटे बाद आ जाना आप सैंपल देने। हम दो घंटे बाद गए, कुछ लोग थे हमारे दोस्त लोग, दो तीन जने थे, तो किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो उनकी रिपोर्ट भी अभी दो तीन दिन में रिपोर्ट आई, उनको भी नेगेटिव बताया गया। जब उन्होंने सैंपल नहीं दिया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई? मोहल्ले में तीन चार लोग ऐसे निकले, क्या कहना है? तो बस हम ये चाहते हैं कि जांच हो, तरीके से हो, अच्छे सिस्टम से हो, ताकि किसी भी आम पब्लिक के दिल में इतना खौफ भर दिया लोगों ने कि आम पब्लिक बहुत डर डर चुकी है इस चीज़ से।